लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के वार्ड नंबर 6 में रहने वाली बुजुर्ग महिला गया बाई पाल को एनीमिया नामक बीमारी के चलते नौरोजाबाद से जिला अस्पताल रेफर किया था। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला का चेकअप किया तो पाया कि वृद्धा में ब्लड की काफी कमी है। ये बात डॉक्टरों ने महिला के साथ आई उनकी बेटी अनामिका को बताई। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी माँ को जल्द से जल्द 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है। इसके बाद अनामिका की मजबूरी की खबर मीडिया कर्मियों को लगी और यह खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गई। इस मैसेज को उमरिया जिले के पुलिस कप्तान ने अपने पूरे स्टाफ को शेयर किया। इसके बाद चंद ही समय में 3 पुलिसकर्मी बुजुर्ग महिला को ब्लड देने पहुंच गए। तीनों पुलिसकर्मियों ने वृद्ध महिला को खून देकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते बीमार बुजुर्ग महिला का बेटा भोपाल में फंसा हुआ है और यहां सिर्फ बुजुर्ग पिता और उनकी एक बेटी है। बुजुर्ग महिला की बेटी अनामिका पॉल ने उनकी माँ को ब्लड देने वाले पुलिस भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट। मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था, श्रीमती गयाबाई 62 वर्ष की हैं जो जिला अस्पताल में एडमिट हैं और उनको 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। उसी के तहत पुलिस परिवार से स्टेनो देवा माने ने, राहुल विश्वकर्मा ने और मुकेश तिवारी ने रक्तदान दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान महादान होता है। आने वाले समय में मेरी जिले के सभी नगरवासियों से अपील है कि इस कठिन समय में अगर किसी को रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है तो आगे आएं और रक्तदान करें। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम एक पहल आरंभ की गई है, जिसके तहत हम असहारा बुजुर्गों की सहायता करते हैं। इसी तारतम्य में हमको पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिसमें गयाबाई पाल उम्र 62 वर्ष को ब्लड की ज़रूरत थी और जो जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती हैं। पता चला था कि उनका जो बेटा है वो बाहर लॉकडाउन में फंसा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि जो उनको ब्लड की ज़रूरत है मुझे देना चाहिए। आज मैं जिला अस्पताल में आया और ब्लड डोनेट 1 यूनिट किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड देने से कहीं कोई कमजोरी नहीं होती है और ब्लड देना चाहिए। मेरे को एनीमिया था जिसकी वजह से बहुत दिक्कत जा रही थी, ब्लड की बहुत कमी थी और डॉक्टर बघेल ने उन्हें उमरिया रेफ़र किया जहाँ पर ब्लड की कोई व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों ने बहुत हेल्प की है जिसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस टाइम पर मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी जिसके लिए उन्होंने हेल्प की, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।